तो हेलो मेरे भाई और उनकी बहनों, आप सभी का स्वागत है उड़ता फिरता में। तो आज मैं एक मॉर्नामेंट को देखने जा रहा हूँ और मॉर्नामेंट का नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। एक्चुअली विक्टोरिया मेमोरियल को जब मैंने गूगल पे सर्च किया और देखा, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रियली कोलकाता में। तो दोस्तों, आज आपको वो जगह ले जा रहा हूँ कि जहाँ पहले प्रेसिडेंसी जेल हुआ करता था, पर यहाँ एक मेमोरियल बना। एंड टुडे दिस मेमोरियल इज मेजर लैंडमार्क ऑफ कोलकाता एंड द नेम ऑफ मेमोरियल इज विक्टोरिया मेमोरियल। वन टिकट। तो भाई साहब, हमने टिकट ले लिए जिसका चार्ज है 30 रुपीस, और यही टिकट के सहारे हम जाएंगे विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर। बहुत शानदार बिल्डिंग है यार, देखो है ना। एंट्रेंस में शेर है और अंदर विक्टोरिया मेमोरियल है, और मेमोरियल से जुड़ी हुई काफ़ी सारी हिस्ट्री है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप भी मेरे जैसे वीडियो फोटो लेने के शौकीन हो तो यहाँ आप कैमरा लेके आ तो सकते हैं, पर निकाल नहीं सकते। बैग में ही डाल सकते हो, बाहर निकाल नहीं सकते। ट्राइपॉड भी यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी मैंने मेरे हाथ को ही ट्राइपॉड बनाया हुआ है और जा रहे हैं अंदर विक्टोरिया मेमोरियल के पास। फिलहाल एक हाइपर लैप्स लेना है मस्त वाला, चलो वो लेता हूँ। तो ये है क्वीन विक्टोरिया, जिनके मेमोरी में बनाया गया इतना खूबसूरत विक्टोरिया मेमोरियल। और जो ये खूबसूरती आप देख रहे हो, इसमें ब्रिटिश और मुगल जो इमारतें होती है उनका कॉम्बिनेशन है विक्टोरिया मेमोरियल में। अब ब्रिटिश तो आपको लग रहा है, तो अब आप सोचेंगे कि मुगल कहाँ से बीच में आया। तो जो ताजमहल है उसमें जिस मार्बल का यूज़ किया गया है, जो मार्बल को कहते हैं मकराना मार्बल, वही मार्बल का यूज हुआ है विक्टोरिया मेमोरियल की बनावट में। तो दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल की आपको खूबसूरती देखनी हो ना, रात को गेट के बाहर खड़ा रह के आप विक्टोरिया मेमोरियल देखिए, बहुत खूबसूरत दिखता है। ये खूबसूरती आप अंदर आके नहीं देख सकते क्योंकि विक्टोरिया मेमोरियल शाम के बाद बंद हो जाता है। बाकी ये जो लाइटिंग्स है और वहाँ जो लाइट फ्लैश करती है पूरी इमारत पे, बहुत बढ़िया लगता है विक्टोरिया मेमोरियल। मैं विक्टोरिया मेमोरियल से एक बिल्डिंग देख पा रहा हूँ, वो कोलकाता की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, सबसे ऊंची, जिसकी हाइट है 850 फीट। ऊपर 850 फीट है और जो ये आप देख रहे हो तालाब के नीचे, वो भी 850 फीट है और 64 माले की बिल्डिंग है पूरी। तो अगर कोई मुझे कहे ना कि विक्टोरिया मेमोरियल की कौन सी चीज़ तुम्हें बहुत बेहद पसंद आई, तो वो होगा ऊपर लहरा था हमारा तिरंगा। जाने कितने लोगों ने सर ये बलिदान दिए। और आपको ये भी बता दूं कि ये विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो पूरे भारत भर में सभी भारत के लोग और बंगाल के लोगों से पैसा फंड लेके ये पूरा विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया, तब जाके विक्टोरिया मेमोरियल बना। मतलब कि ये ब्रिटिश का नहीं था, ये तो था हमारा ही, और आज पूरी तरह से हमारा हो गया है। वो ले रहा था हुआ जो झंडा है वो बता रहा है, वो रियली यार दिल भर आता है, सिर्फ वो झंडा देख के दिल भर आता है। विक्टोरिया मेमोरियल के सेंटर डोम के आसपास काफ़ी सारे स्कल्पचर्स बने हुए हैं,
जो आर्ट, आर्किटेक्चर, चैरिटी, जस्टिस, मदरहुड एंड लर्निंग को सिंबलाइज करते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर, शायद वहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं होगी और वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं होगी। देखते हैं क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो हम फॉलो करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे विक्टोरिया मेमोरियल। लेट्स गो इनसाइड। विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर प्रवेश लेते ही डॉम के अंदरूनी भाग का खूबसूरत आर्किटेक्चर दिखाई देता है और दिखाई देती है बड़ी और खूबसूरत हमारी सुभाष बाबू की तस्वीर है। विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर कुल 25 गैलरियां है जिसमें आप बंगाल की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए मुझे जितनी ही परमिशन दी उतनी आपको मैंने बताया। अब मैं जा रहा हूँ मेमोरियल में ऊपर की ओर। तो दोस्तों सीढ़ी से ऊपर आते ही बहुत ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखने को मिल रहा है, एकदम टूरिस्ट अट्रैक्शन टाइप का है। ये देखो, वाह, इट्स अमेजिंग। विक्टोरिया मेमोरियल में आगे बढ़ते हमारे फ्रीडम फाइटर की बंदूकें, पिस्तल, राइफल आपको देखने को मिलती है। देखने को मिलता है ब्रिटिश शासन के समय का माहौल, आजाद हिंद फौज का झंडा और महिला स्वतंत्र सेनानियों की तस्वीर। प्रोजेक्टर के द्वारा आजादी के समय बंगाल का माहौल क्या था वो दर्शाया जाता है, जो देखकर हमारे स्वतंत्र सेनानियों के प्रति हमारा सम्मान बढ़ जाता है। अब मैं एक ऐसे आईने के सामने आ गया हूँ कि इसमें हम अपने में क्रांतिकारी खोजेंगे। तो कौन सा क्रांतिकारी मैं बनता हूँ वो देखना चाहता हूँ। चलो देखते हैं, शायद मैं भगत सिंह बनूं। फिलहाल मेरे आगे खड़े अंकल जी में लकीली भगत सिंह दिखते हैं। वाह, यार मुझे भगत सिंह बनना था, वो अंकल जी बन गए। चलो कुछ नहीं, फ्रीडम फाइटर तो फ्रीडम फाइटर ही होते हैं। तो दोस्तों आप अभी तक वीडियो में बने रहे हो मेरे साथ तो थैंक यू। अभी हम विक्टोरिया मेमोरियल के पिछले दरवाजे पे आ गए हैं, वहाँ से जा रहे हैं बाहर। जल्दी जल्दी, और बहुत जगह घूमनी है। अब आपको विक्टोरिया मेमोरियल की और जानकारी दूँ तो वो है एंजल ऑफ विक्टोरिया। हवा के बहाव के साथ वो गोल गोल घूमता है, अभी हवा ठहरी हुई है इसलिए वो भी ठहरा हुआ है। तो एंजल ऑफ विक्टोरिया की यह है खासियत। यहाँ मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है, जो स्टोन बिछाए हुए हैं ना, मट्टी की जगह ये स्टोन बिछाए हुए हैं, सही लग रहा है। सामने देखो पूरा विक्टोरिया मेमोरियल, और यहाँ जो मट्टी होती तो इतना नहीं अच्छा लगता जितना ये स्टोन्स जो है ना, उसके वजह से ये निखार आ रहा है विक्टोरिया मेमोरियल का। सो दोस्तों यही थी हमारी विक्टोरिया मेमोरियल की जर्नी। आपकी जर्नी मेरे साथ कैसे रही प्लीज़ कमेंट में लिख के जरूर बताएगा। बस तो यूं ही उड़ते रहेंगे, फिरते रहेंगे, ढेर सारी नई नई चीज़ें हम एक्सप्लोर करते रहेंगे। सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, आओ जो, बाय।